तो नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए एक नन्ना खिलाड़ी चयनित हुआ है। बहुत ही कम उम्र में ही ये नेशनल स्तर पर पहुंच गया है। कौन है ये बच्चा और कैसे हुआ इसका चयन, एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक नन्हे बालक प्रिंस कुमार की, जो महज 11 साल की उम्र में राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। ये गोड्डा जिले के लिए बैडमिंटन के छात्र में से पहला खिलाड़ी है। वही छोटी सी उम्र में ही नेशनल प्रतियोगिता में चयनित होने पर खुशी जाहिर करते हुए उसने कहा कि आगे ओलंपिक गेम में भाग लेकर जिला और देश का नाम रोशन करेगा। कहां तक जाने के लिए? घर से और से कितने लोगों का आपको सहयोग मिल पा रहा है? किन किन से किन किन लोगों से आपको सहयोग मिल पा रहा है? सहयोग मिलती है। इनकी कोच की माने तो बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए गोड्डा जिले से यह पहला खिलाड़ी है जो नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। इसके पूर्व जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी वह चयनित हो चुका है। वहीं इनकी माने तो गोड्डा जिले में बहुत ही कम संसाधनों और बिना सरकारी सहायता से इतना बड़ा मुकाम हासिल करना और यहां तक पहुंचना आम लोगों के बस की बात नहीं। पहली बार हुआ है यहां पे, उससे पहले स्टेट में खेल चुका था, एसपी डिवीजन में भी जीत चुका था। मतलब ये एक तरह का प्रोसेस हुआ है, डायरेक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट में जीता, फिर एसपी डिवीजन में जीता और मेहनत करते गया, स्टेट में जीता, उसके बाद जाके एक सीरी लाइक लैडर ये लोग कंटिन्यू विन करते जा रहे हैं। हो सकता है कंटिन्यू मेहनत करते रहे तो इंडिया लेवल पे भी रिजल्ट दे। बहरहाल जो भी हो, खेल के क्षेत्र में झारखंड के भीतर खेलों में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कमी नहीं है, बस जरूरत है उन सभी खेलों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने की। न्यूज 11 भारत के लिए गोड्डा से नरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।